ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी कोरोना काल में लगातार अपने ट्विटर हैंडल के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। वहीं शुक्रवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के सभी स्वरूपों का वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाने के साथ ही पूरी दुनिया को इस बारे में अवगत करवाया जाए तथा सभी भारतीय नागरिकों को जल्द टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हो गया है और ऐसे में गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाए ताकि उन्हें पिछले साल की तरह पीड़ा से नहीं गुजरना पड़े। पीएम मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आपको एक बार फिर पत्र लिखने के लिए विवश हुआ हूँ क्योंकि हमारा देश कोविड सुनामी की स्थिति में बना हुआ है। इस तरह के अप्रत्याशित संकट में भारत के लोग आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप देश के लोगों को इस पीड़ा से बचाने के लिए जो भी संभव हो वह करिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि दुनिया के हर 6 लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय है। इस महामारी से अब यह पता चला है कि हमारा आकार, अनुवांशिक विविधता और जटिलता से भारत में इस वायरस के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल मिलता है कि वह अपने स्वरूप बदले तथा अधिक खतरनाक स्वरूप में सामने आए। मुझे डर इस बात का है कि जिस डबल मोमेंट और ट्रिपल मोमेंट को हम देख रहे हैं वह शुरुआत भर हो सकती है। राहुल गांधी ने लिखा है कि इस वायरस का अनियंत्रित ढंग से प्रसारित होना न सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए घातक होगा बल्कि शेष दुनिया के लिए भी होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिया है कि इस वायरस एवं इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाए, सभी नए म्यूटेशन के खिलाफ टीकों के असर का आकलन किया जाए और सभी लोगों को तेजी से टीका लगाया जाए, पारदर्शी रह जाए और शेष दुनिया को हमारे निष्कर्षों के बारे में अवगत करवाया जाए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार के पास कोविड के खिलाफ टीकाकरण को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और सरकार ने उसी समय इस महामारी पर विजय ही घोषित कर दी जब यह वायरस फैल रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की विफलता के कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन अपरिहार्य लगता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि इस स्थिति को देखते हुए कमजोर तबके के लोगों को वित्तीय मदद और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए ताकि लॉकडाउन के कारण गरीबों को उस पीड़ा को न झेलना पड़े जो उन्हें पिछले साल के लॉकडाउन के समय झेलनी पड़ी। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस संकट काल में विभिन्न पक्षों को विश्वास में लिया जाए ताकि सब मिलकर भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम कर सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।